राजस्थान में सरकारी छत को लेकर चल रहे घमासान के बीच नियम खंगाले जा रहे हैं और ये ढूंढा जा रहा है कि तत्कालीन स्पीकर कैलाश मेघवाल ने जो आवंटन किए हैं वो जारी रहेंगे या अब मामला आवास आवंटन समिति को संभालना है। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में लोकतंत्र के मंदिर में इस सत्र की शुरुआत से ही सरकारी घर को लेकर खींचतान दिखाई दे रही है। सरकार बदलते ही सियासी शतरंज के मोहरे क्या बदले, सरकारी छत एक बार फिर प्रमुख मुद्दा बन गई है। सदन में जहां जनता के पैरोकार आम आदमी की नहीं बल्कि खुद की छत को लेकर चिंतन मनन कर रहे हैं और उनकी चिंता सदन के पिछले स्पीकर के आदेश से बढ़ी हुई है। मामला नियमों को वापस खंगालने तक पहुंच गया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार शपथ ले चुकी है, लेकिन पिछली राज्य सरकार के वक्त में विधानसभा अध्यक्ष रहे कैलाश मेघवाल ने जाते जाते एक ऐसा आदेश दिया जो अब नई सरकार के विधायकों को परेशानी का सबब नजर आ रहा है। दरअसल मेघवाल नए स्पीकर का चुनाव होने से पहले ही 16 दिसंबर 2018 को 40 विधायकों को आवास आवंटित कर गए। खास बात यह है कि राज्यपाल कल्याण सिंह 12 दिसंबर को 14वीं विधानसभा को भंग कर चुके थे। इस फैसले के बाद मेघवाल सवालों में घिर गए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल का कहना है कि स्पीकर रहते हुए उसकी सर्वोच्च शक्तियां उनके पास थी, उन्होंने उनकी शक्तियों के आधार पर ही 40 विधायकों को आवास आवंटित किए। इस पूरे मामले पर एक बात ये भी कही जा रही है कि नियमानुसार विधायक आवास का आवंटन विधानसभा की हाउस कमेटी ही करती है, लेकिन अध्यक्ष ने 40 विधायकों को आवास आवंटित कर दिए। सत्ता पक्ष से लेकर गैर भाजपाई दलों के विधायकों तक ने इस पर अपनी आपत्ति सदन के अंदर और बाहर तक दर्ज करवाई। सरकारी छत का आलम पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिखाई दिया, जहां मायावती ने अपना आवास छिन जाने के डर से उस पर म्यूजियम की तख्ती टांग दी। वहीं अखिलेश यादव पर तो जाते जाते खुन्नस में बंगले को तहस नहस करने तक के आरोप लगे। नियम खंगाले जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूर्व स्पीकर ने जो किया वो नियमों के दायरे में था या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।